अब हम लोग एक और एग्जाम्पल करेंगे जिससे कि जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड उसमें और थोड़ी बहुत क्लैरिटी आएगी। ये जो एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं, मैंने एक डायग्राम बनाया है। इसमें ये एक कॉन्केव मिरर लिया है और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है ना। इसमें कहा गया है अ लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई लोकेट द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट्स। मतलब ये जो लाइट रे आया है, अगर यूं कहा जाएगा, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर यहां पर कोई लाइन ड्रॉ मैं करता हूं तो ये नॉर्मल होगा, है ना। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, ठीक। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब इसमें ये कहा गया है कि रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं इंटरसेक्ट करेगा। सपोज यहां पर इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट पर, है ना। तो इस पॉइंट को लोकेट करना है, पोल से कितना डिस्टेंस पर होगा या सेंटर ऑफ कर्वेचर से कितना डिस्टेंस पर होगा ये हमें यहां पर बताना है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है, ठीक। साथ में ये भी देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल होते हैं और ये जो नॉर्मल है इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई होना चाहिए। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में, यहां से मैं इस नॉर्मल पर एक परपेंडिकुलर डालता हूं ऐसे, ठीक। अब देखेंगे कि यहां पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल इधर बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल इधर बन रहा है। ये दोनों ही जो ट्रायंगल है वो इक्वल ट्रायंगल है ना। मतलब यूं कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है ये। कैसे देख सकते हैं कि इसमें ये एंगल आई है और ये एंगल भी आई है। इसमें एक 90 है, एक 90 है, तो इसका ये एंगल 90 माइनस आई होगा, इसका भी ये वाला एंगल 90 माइनस आई होगा, ठीक। साथ में एक साइड जो है ये कॉमन है। एक साइड कॉमन होने का मतलब है कि इनके साइड का रेशियो 1:1 हो जाएगा, और 1:1 होगा इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा, है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये जो मिरर है ना, तो मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होता है, और वो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, आधा पार्ट चलेगा इस ट्रायंगल में और आधा पार्ट इस ट्रायंगल में। तो ये r/2 हो जाएगा यहां से यहां तक, और इधर वाला भी r/2 होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट भी r/2 होगा, ये भी r/2 होगा। हमें जो है वो इसकी जरूरत पड़ेगी, मैंने इसलिए यहां पर लिखा है। अब देख सकते हैं कि ये जो एंगल है आई है और यहां पर जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है उसका ये हाइपोटेनस है, ठीक है। मैं ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको थोड़ी देर के लिए एफ कह देता हूं, और ये जो है ये पोल कहलाता है ना। तो अगर मुझे डिस्टेंस सी एफ फाइंड करना हो इस राइट एंगल ट्रायंगल से, तो मैं कॉस आई का वैल्यू फाइंड करता हूं। कॉस आई का जो वैल्यू आएगा आप देखेंगे कि इसमें ये आएगा r/2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस सी एफ, r/2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस सी एफ। तो जो सी एफ है इसकी वैल्यू आ गई r/2 इंटू कॉस आई, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट का लोकेशन निकल गया, है ना। अब जो है ये जो पोल है, पोल से अगर इस पॉइंट एफ का डिस्टेंस पता करना हो, ये वाला डिस्टेंस, तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होता है। तो ये पॉइंट एफ और पी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आएगा r-CF, है ना। ये हो जाएगा r-CF। सी एफ का वैल्यू कितना है, r/2 cos i, है ना। तो अगर डिस्टेंस पी एफ फाइंड करना हो तो ये होगा r-CF यानी r/2 cos i, है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो इस पोल से कितना डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट करेंगी वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर,
है ना। तो अगर आई का वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये भी चेंज होगा, ये एक ही पॉइंट पर सारी लाइट रेज इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, है ना। लेकिन इसमें एक कंडीशन हो सकता है, अगर आई का वैल्यू बहुत ही कम हो, आई का वैल्यू जैसे 0 डिग्री के आसपास हो, जैसे 5 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे हो, तो उसको मैं अप्रोक्सीमेटली कॉस आई को 1 ले सकता हूं। जब कॉस आई को 1 ले सकता हूं तो उस केस में पीएफ का जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएगा, और वो हो जाएगा आर माइनस आर बाई टू, है ना, क्योंकि कॉस आई का वैल्यू तब 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस का वैल्यू अगर बहुत कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो कॉस 2 डिग्री कहें 3 डिग्री कहें वो भी आसपास ही होंगे, कॉस 1 के आसपास होंगे। तो उस केस में मैं ये कह सकता हूं कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, कॉस आई विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, देन पी एफ विल बी इक्वल टू आर माइनस आर बाई टू, दैट विल बी इक्वल टू आर बाई टू, है ना। तो पी एफ जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू आर बाई टू कब आएगी, वेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत स्मॉल कब होगा, जब लाइट रेज इस प्रिंसिपल, ये जो पोल है पोल के पास में आएंगी या प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज इंसिडेंट होंगी, है ना, तभी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है स्मॉल होगा। आप देख सकते हैं, मैं एक डायग्राम से समझाता हूं। यहां पर सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस है, है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहां पर और यहां पर, ठीक। अब सपोज 3 लाइट रे आ रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक ये है, तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितने भी लाइन मैं ड्रॉ करूंगा वो सारा नॉर्मल होगा इस मिरर पर, है ना, ये तीनों नॉर्मल है, डिफरेंट नॉर्मल है। अच्छा, यहां पर जो लाइट रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और कम हो गया है ना, आई डैश। अच्छा, यहां पर अगर कोई मैं लाइट रे इंसिडेंट कराता हूं तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और भी स्मॉल हो गया, ठीक है। तो जो इंसिडेंट लाइट रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं, अगर वो पोल के पास में इंसिडेंट होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज इंसिडेंट होंगे, तो उस कंडीशन में जो आई है बहुत स्मॉल होता है, और आई जब बहुत स्मॉल होता है तब ये डिस्टेंस जो पी एफ है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर बाई टू होता है, है ना। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत स्मॉल हो तो ऐसे जो लाइट रे इंसिडेंट होती है उनको पैरेक्सियल रे कहा जाता है, है ना। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि पैरेक्सियल रे का मतलब होता है जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही स्मॉल हो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल कब होगा, जब लाइट रे पोल के पास में इंसिडेंट होंगे, है ना। पोल के पास में इंसिडेंट एक और तरीके से हो सकते हैं, अगर जो मिरर है मिरर का जो साइज है बहुत छोटा हो, है ना, बहुत छोटा हो तो पोल के पास में ही गिरेंगे, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही स्मॉल होगा, ठीक है। तो ये जो कॉनकेव मिरर है या जो कन्वेक्स मिरर है उसके लिए एक और टर्म डिफाइन किया जाता है जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस, है ना। तो प्रिंसिपल फोकस को समझने के लिए एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी के बारे में बताया गया है, अगर आप ध्यान से आप देखेंगे उस एक्टिविटी को, तो उस एक्टिविटी में यह कहा गया है कि एक कॉनकेव मिरर लेना है, कॉनकेव मिरर को जो सन से लाइट रेज आती है उसके सामने रखना है, है ना। सामने रखेंगे तो सन से लाइट रेज आएंगी, पैरेलल आएंगी सारी, है ना। और फिर कहा गया कि मिरर के सामने एक पेपर लेना है, ठीक है। पेपर लेंगे तो क्या होगा कि सन से जो लाइट रे आती है वो रिफ्लेक्ट होकर के कहीं ना कहीं एक जगह पर इसी तरह से, जैसे ये देख रहे हैं कि एक फोकस हो रही है, सारी एक जगह मिल रही है यहां पर जाकर के, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है तो, है ना। तो हम लोग पैरेक्सियल रे की बात कर रहे हैं, छोटा सा मिरर लेंगे, है ना, जिसमें कर्वेचर बहुत जो है रेडियस कर्वेचर बहुत ज्यादा होगा, है ना। तो उस केस में क्या होगा कि लाइट रे कहीं ना कहीं एक जगह फोकस हो रही होंगी, जो हमने पेपर ले रखा है उस पेपर को आगे पीछे खिसकाएंगे, खिसकाने से क्या होगा कि वो जो पॉइंट फोकस हो रहा है, है ना, तो वहां पर एक ब्राइट स्पॉट बनेगा पेपर पर। तो ब्राइट स्पॉट जो है दूर रखने पर क्या होगा, बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे उसको पास में लाएंगे तो वो छोटा होता जाएगा।
छोटा होते होते एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ब्राइट स्पॉट सबसे छोटा हो जाएगा, है ना, एक पॉइंट जैसा दिखने लगेगा। अगर उसके आगे आप खिसकाते हैं तो फिर से बड़ा होने लगेगा जो ब्राइट स्पॉट है। तो हमें उस पेपर को उसी पॉइंट पर रखना जहां सबसे छोटा दिख रहा है। सबसे छोटा दिख रहा है इसका मतलब हमने पेपर को फोकस के कहीं आसपास रखा है। तो वहां पर क्या होता है, लाइट रेज एक जगह पर फोकस हो रही है तो लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। बहुत इंटेंसिटी ज्यादा है तो वहां पर हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट प्रोड्यूस होता है तो पेपर जो है जलने लगता है ना। तो ये एक्टिविटी जो है वो ये बताता है कि जो फोकस है वो कहां पर है। फोकस को लोकेट करने के लिए जो है इस एक्टिविटी को हम लोग कर सकते हैं। अब मैं समझाता हूं एक डायग्राम से कि प्रिंसिपल फोकस को हम लोग कैसे लोकेट कर सकते हैं। देखेंगे आप यहां पर कि एक कॉनकेव मिरर है ना। कॉनकेव मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल है। यहां पर आप देख सकते हैं कि चार लाइट रेज आ रही है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है ना। तो एक्चुअली में मैंने यहां पर बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है कि ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां पर जाकर के प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलेंगे, है ना। लेकिन जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा हो, जब पैराक्सियल रेज हो, तो एक ही जगह पर मिलती है। तो आगे की जो थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं सारी थ्योरी पैराक्सियल रेज के लिए पढ़ेंगे, ठीक। ये ध्यान रखना है कि जो कोऑर्डिनेट, ये जो हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जितनी भी थ्योरी है, जितने भी डेरिवेशंस हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, वो सारे पैराक्सियल रे के लिए वैलिड होते हैं, सारे पैराक्सियल रे के लिए डिराइव किए जाते हैं। तो यहां से आगे, यहां तक तो मैंने बताया कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस लेकर के एक जनरल डेरिवेशन किया हमने, लेकिन इसके बाद हम लोग केवल पैराक्सियल रे की बात करेंगे, है ना। जितनी भी थ्योरी होगी, जितने भी क्वेश्चन होंगे, सारे पैराक्सियल रे के लिए होंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं ये पैराक्सियल रे के लिए बता रहा हूं, है ना। मैं लिख देता हूं यहां पर फॉर पैराक्सियल रे। पैराक्सियल रे का मतलब मैंने बताया कि उनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है बहुत स्मॉल होता है, ठीक। तो अगर पैराक्सियल रेज है तो इनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही स्मॉल है, और उस केस में ये सारे एक ही जगह पर जाकर मिलेंगे। जैसे सपोज ये यहां से रिफ्लेक्ट होगा तो यहां जाकर के मिलेगा, ये रिफ्लेक्ट होगा तो यहां जाकर मिलेगा, है ना। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे कि यहां पर मैंने बताया कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 4 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, तो जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ऑलमोस्ट एक ही जगह पर आएगा। तो ये सारे लाइट रे जो है रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पर यहां पर आकर के मिलेंगी। तो एक्टिविटी में जो पेपर रखने के लिए बताया गया है, पेपर को अगर आप यहां पर रखेंगे तो ये लाइट रे यहां से क्रॉस करने के बाद ऐसे डाइवर्ज जाएंगे, है ना। तो अगर पेपर को यहां रखेंगे तो इतना बड़ा सा ब्राइट स्पॉट दिखेगा, लेकिन जैसे आप पास में लेते जाएंगे ये ब्राइट स्पॉट छोटा होता जाएगा। जब पेपर को यहां रखेंगे तो सबसे छोटा एक बिल्कुल पॉइंट जैसा ब्राइट स्पॉट दिखेगा, इसके आगे अगर करेंगे तो फिर से ब्राइट स्पॉट जो है वो बड़ा होने लगेगा। तो हमें इस पेपर को कहां रखना है, एग्जैक्टली यहां पर रखना है जहां पर सबसे छोटा ब्राइट स्पॉट बन रहा। सबसे छोटा ब्राइट स्पॉट बनेगा तब यहां पर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी एक ही पॉइंट पर गिर रही होगी, है ना। तो हीट बहुत ज्यादा जनरेट होगा और वो पेपर जो है वो बर्न करने लगेगा। तो ऐसे हम लोग इस पॉइंट को लोकेट करेंगे, ये जो पॉइंट है इसी को हम लोग कहते हैं फोकस, ठीक। अब तो प्रिंसिपल फोकस जो है इसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इस प्रिंसिपल फोकस का जो बेसिक डिफिनीशन है वो ये है, अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैराक्सियल रेज, है ना। हालांकि पैराक्सियल रे वर्ड यूज करना जरूरी नहीं है, है ना, क्योंकि अब से बाद हम लोग ये मानकर चलेंगे कि पैराक्सियल रे के लिए ही बात कर रहे हैं। अगर ये नहीं भी लिखा हो तो ये मान के चलना है कि पैराक्सियल रे की बात की जा रही है ना। तो अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैराक्सियल रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही थी, इंटरसेक्ट ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक दूसरे के साथ में रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है, ठीक। तो इस प्रिंसिपल फोकस को लोकेट करना हो तो ये वही डिस्टेंस हो गया P और F जो अभी हमने इस क्वेश्चन में फाइंड किया था,
है ना। इस क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था डिस्टेंस पी एफ जो स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आर बाई टू आया था, जहां पर आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, है ना। तो एक टर्म डिफाइन किया जाता है जिसको कहते हैं फोकल लेंथ, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको फोकल लेंथ कहा जाता है ना। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो इस फोकल लेंथ की जो वैल्यू है वो एक्चुअली में डिस्टेंस पी एफ के इक्वल है, और चूंकि हम लोग अब पैरेक्सियल रे की बात कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस आर बाई टू के इक्वल होना चाहिए, है ना। जहां पर आर है, वेयर आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ जो है ये फोकल लेंथ हो गया। अब हम लोग फोकस से रिलेटेड एक और टर्म को समझेंगे जिसको कि फोकल प्लेन कहा जाता है। जैसे देखेंगे यहां पर फोकल प्लेन को डिफाइन किया गया है, ये फोकल प्लेन क्या होता है, अ प्लेन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। जैसे यहां पर मैंने एक कॉनकेव मिरर बनाया हुआ है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया और ये हो गया इसका फोकस, है ना। तो हम लोग एक ऐसा प्लेन बनाएंगे जो कि फोकस से पास करता हो और साथ में इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर भी होगा। ये मैंने जो है साइड व्यू दिखाया प्लेन का, इसलिए हमें एक लाइन जैसा दिख रहा है। एक्चुअली में आप जब इधर से देखेंगे तो एक प्लेन जैसा दिखेगा, या इधर से देखेंगे तो एक प्लेन जैसा दिखेगा। तो ये ऐसा प्लेन है जो फोकस से पास कर रहा है और इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक। तो फोकल प्लेन की खासियत क्या है या उसका यूज क्या है, है ना। तो ये कहा जाता है कि जितनी भी लाइट रेज म्यूचुअली पैरेलल आती हैं, म्यूचुअली पैरेलल का मतलब एक दूसरे के पैरेलल आती हैं, वो इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकल प्लेन में ही कहीं जाकर के मिलती है, है ना। जैसे अगर मैं कहूं कि यहां पर कुछ लाइट रेज ऐसे आ रही है, है ना, सपोज एक लाइट रे ऐसे आया, है ना, ये इसके पैरेलल ये लाइट रे आया, फिर ये है, इतनी सारी लाइट रे आ रही है ना। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज आई है तो हमें पता है ये पोल पर आया है ना, तो पोल पर जो लाइट रेज इंसिडेंट होते हैं वो सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, इसलिए ये ऐसे रिफ्लेक्ट होंगे, है ना। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई के इक्वल होगा, तो ये जो है यहां पर आ गया, ठीक। तो बाकी सारी लाइट रेज भी रिफ्लेक्शन के बाद यहीं पर आकर के मिलेंगी, सबके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट होता है, है ना। एक देखेंगे यहां पर मैंने बताया है ऑल द लाइट रेज इंसिडेंट म्यूचुअली पैरेलल, म्यूचुअली पैरेलल का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, ये एक दूसरे के पैरेलल है ना, म्यूचुअली पैरेलल होती है, है ना। ऑल द लाइट रेज इंसिडेंट म्यूचुअली पैरेलल ऑन कर्व्ड मिरर इंटरसेक्ट ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑन फोकल प्लेन। रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करती हैं, फोकल प्लेन में ही कहीं इंटरसेक्ट करती हैं। अगर कहां पर इंटरसेक्ट करती हैं ये भी निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने यहां पर आई लिया है, मैं इसको थीटा लिख देता हूं। सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा। अगर ये फोकस है तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये डिस्टेंस हो जाएगा फोकल लेंथ के इक्वल, ठीक। तो प्रिंसिपल एक्सिस से कितना नीचे ये इंटरसेक्ट करेंगे, ये मैं मान लेता हूं कि हाइट है h, तो देखेंगे यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। ये जो लाइट रे जो थीटा एंगल पर इंसिडेंट हुई है वो सीधे ये आ रही है यहां पर, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं टैन थीटा का वैल्यू निकालना चाहता हूं, टैन थीटा, तो टैन थीटा का वैल्यू आएगा h डिवाइडेड बाई f, है ना, h डिवाइडेड बाई f, तो h जो होगा वो आ जाएगा f इंटू टैन थीटा। तो हम बता सकते हैं कि ये जो म्यूचुअली पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस से कितना नीचे या कितना ऊपर जाकर के एक दूसरे से मिलेंगी, ये h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। देखेंगे यहां पर कहा गया है सन सबटेन्स एंगल थीटा ऑन अर्थ सर्फेस। सन जो है हमें देखने में
सर्कुलर शेप का एक डिस्क जैसा दिखता है, है ना। तो वहां से जो लाइट रेज आ रही होंगी, ऐसे लाइट रेज आ रही होंगी, तो अर्थ पर कुछ ऐसे एंगल सबटेंड कर रही होंगी जो कि यहां पर क्वेश्चन में थीटा बताया गया। एक कॉनकेव मिरर को यूज किया गया उस सन का इमेज बनाने के लिए। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ फॉर्म्स इमेज ऑफ सन, फाइंड द डायमीटर ऑफ सन, फाइंड द डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं कि सन जो है बहुत ही दूर है, वहां से जो लाइट रेज आ रही है ऐसे, है ना, सन बहुत दूर है, तो ऐसे समझ सकते हैं। मैं यहां पर छोटा सा एक डायग्राम बना देता हूं, है ना। सपोज ये सन है ओरिजिनल जो दूर है, तो उसके ऊपर वाला पॉइंट से, क्योंकि ऊपर वाला पॉइंट जो है बहुत दूर है हमसे, इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी से जब भी लाइट रेज आती है तो वो एक दूसरे के पैरेलल आती है, है ना। तो जैसे ये लाइट रे आएगा, यहां से कई सारे लाइट रे जाएंगी जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। सपोज इस मिरर का जो फोकस है वो यहां पर है, तो मैं यहां पर एक फोकल प्लेन ड्रॉ कर सकता हूं। तो चूंकि यहां पर ये एक ही लाइट रे नहीं आएगी, कई सारी लाइट रे यहां से जा रही होंगी, सारी लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो कहां मिलेंगी, इसी फोकल प्लेन में कहीं यहां पर मिलेंगे। अब ये कहा गया कि जो सन है वो टोटल थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो अगर जैसे ये बताया था ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो यहां पर ये टोटल एंगल थीटा होना चाहिए। अगर आधे एंगल की बात करें तो ये हो जाएगा थीटा बाय टू, और ये भी होगा थीटा बाय टू। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने सिमेट्रिक रखा है जानबूझ करके कि अपना जो सोल्यूशन हो, जो डेरिवेशन हो, थोड़ा आसान हो, है ना। तो ये हो गया, मतलब अगर ये सन के ऊपर सरफेस पर एक पॉइंट ए है तो उसका इमेज कैसे बनेगा, यहां से जो लाइट रे जाएंगी रिफ्लेक्शन के बाद यहां पर मिलेगी, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग इमेज कहते हैं। जैसे मैंने कि इमेज का डिफिनेशन बताया था, तो पॉइंट ए का इमेज जो है वो यहां पर बनेगा ए डैस। उसी तरह से डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है यहां पर, सपोज ये है पॉइंट बी, तो यहां से अगर लाइट रे जा रही होंगी बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल जा रही होंगी, ये भी है ना पैरेलल जाएंगी, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर के कहां मिलेंगी सारी, वो यहां पर मिल जाएंगी, है ना। ये यहां से जाकर के थीटा बाय टू पर इंसिडेंट होंगी और थीटा बाय टू पर रिफ्लेक्ट होकर के यहां पर सारी मिल जाएंगी। तो ये जो पॉइंट बी है इसका इमेज कहां बन जाएगा, यहां पर बी डैश, है ना। तो इसका मतलब ये है कि सन का इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, हर पॉइंट जो है वो उल्टा हो गया है। जो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था उसका इमेज नीचे बन गया, जो नीचे था उसका ऊपर बन गया। अगर कोई पॉइंट इधर होगा, है ना, यहां से मैं कहता हूं कि मेरा राइट हैंड साइड में है, तो उसका इमेज जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ्ट साइड में बनेगा, उस साइड में बनेगा। और जो पॉइंट सन का, सन क्योंकि सर्कुलर दिखता है हमें, तो जो पीछे होगा उसका इमेज इस साइड में बनेगा। तो एक्चुअली में यहां पर क्या होगा, इसका सर्कुलर इमेज बनेगा, ऐसा सन का सर्कुलर इमेज बन जाएगा, लेकिन इन्वर्टेड इमेज बनेगा। इन्वर्टेड इमेज भी बनेगा तो हमें तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि दूर से भी गोल दिखता है, उसका इमेज भी गोल ही दिखेगा, है ना, डिस्क जैसा, इसलिए हमें पता नहीं चलेगा कि जो इमेज है वो उल्टा बना हुआ है, लेकिन एक्चुअली में उल्टा बनेगा। ऊपर वाले पॉइंट का इमेज नीचे, नीचे वाले का ऊपर, दाएं वाले का बाएं साइड में, बाएं वाले का दाएं साइड में, ऐसे इमेज बनेगा, ठीक। तो अगर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इमेज है इस इमेज का डायमीटर बताना है, डायमीटर कितना होगा, तो मैं क्या करता हूं, पहले रेडियस पता करता हूं। इसका जो रेडियस है आर, ये रेडियस है आर, और ये फोकल लेंथ होगा, क्योंकि ये फोकल लेंथ में ही, फोकल प्लेन में ही इमेज बन रहा है। इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे जो कि एक दूसरे के पैरेलल आती हैं, वो फोकल प्लेन में मिलती हैं, जैसा कि अभी हमने सीखा है। तो ये फोकल प्लेन में ही इमेज बनेगा फाइनली। और वैसे भी कह सकते हैं कि चूंकि ऑब्जेक्ट अपना इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनना चाहिए, है ना। तो ये तो हो गया रेडियस, ये हो गया फोकस। अगर इसमें हम लोग टैन थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, टैन थीटा बाय टू, तो देखेंगे ये हो जाएगा आर डिवाइडेड बाय एफ, ये आना चाहिए, है ना। तो यहां से रेडियस का जो वैल्यू आएगा वो आएगा एफ टैन थीटा बाय टू। अगर डायमीटर पता करना हो तो डायमीटर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी टू एफ।
tan थीटा बाई टू। ठीक, तो यहां पर हमने सीखा बेसिकली फोकस और फोकल प्लेन के बारे में, और इसमें ज्यादातर हमने कॉनकेव मिरर को यूज किया हुआ है। एक्चुअली में जब आप कॉन्वेक्स मिरर भी यूज करेंगे तो कॉन्सेप्ट यही रहता है, ये कॉन्सेप्ट तब भी सही होता है जब कॉन्वेक्स मिरर हो। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर लेता हूं, जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं, है ना, कॉन्वेक्स मिरर ले लेंगे, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना। तो अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है ऐसे ऐसे, ठीक, तो ये भी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती है। अपीयर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसको पार तो कर नहीं सकती, और रिफ्लेक्शन के बाद ये डाइवर्ज हो जाती है, ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, है ना। इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर ही बोलते हैं। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि जो लाइट रे आती है उनको वो डाइवर्ज करता है, और कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। कॉनकेव मिरर क्या करता है, लाइट रे जो कन्वर्ज करता है, इनको मिला देता है एक पॉइंट पर ले जा करके, और ये इनको दूर करता है। तो ये जब दूर जा रहे हैं तो कैसे मिलेंगे, यहां पर इनको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा ऐसे, ये इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होंगी, एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, है ना। उसी तरह से ये जो दो लाइट रेज हैं ये भी वैसे ही डाइवर्ज होंगी ऐसे, इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर थोड़ा सा कम है, इसलिए इनका जो डाइवर्जन होगा, डेविएशन होगा, वो भी कम होगा, है ना। तो इनको भी पीछे मिलाएंगे तो वहीं मिलेंगी, ये भी ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, इसको भी पीछे मिलाएंगे तो वहीं मिलेंगे, है ना। तो जो कॉन्सेप्ट हमने कॉनकेव मिरर के लिए सीखा था वो कॉन्वेक्स मिरर में भी वैलिड है। यहां भी एक फोकल प्लेन जो है, कह सकते हैं एक फोकल प्लेन यहां पर होगा। अगर लाइट रेज म्यूचुअली पैरेलल आती हैं तो उस फोकल प्लेन में इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होंगी, एक्चुअली में वहां इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होंगी, क्योंकि लाइट रेज उसको पार करके उधर जा नहीं सकती जहां फोकस है, है ना। कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो पीछे आता है, जबकि कॉनकेव मिरर का फोकस जो है वो सामने आता है, जिधर से लाइट रेज आती है उधर इसका फोकस होता है, जबकि इसका फोकस जिधर से लाइट रे जाती है उधर नहीं होता, उसके दूसरे साइड में होता है। ठीक, तो अब जो है हमने जो बेसिक डिफिनिशंस होते हैं मिरर से रिलेटेड, जैसे फोकस हो गया, रेडियस कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये सारे छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट थे, जो डिफिनिशंस थे, हमने सीख लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि जो कॉन्केव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है वो किस तरह से इमेज फॉर्म करते हैं। इमेज फॉर्म करते हैं तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हो, फोकल लेंथ दिया हो, तो इमेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सारी चीजें हम लोग अभी आगे यहां पर सीखेंगे। ठीक है।